हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो पे। तो आज एक और नई कैंपिंग लोकेशन और घर से काफी दूर है, तो आज हम चल रहे हैं आसिफ ब्रो के साथ यहाँ कैंपिंग में। दिगाचोल के साथ यहाँ जंगल में रात कैंपिंग करेंगे हम आसिफ भाई के साथ। बिल्कुल भाई, बोल रहे हैं कि आप मेहमान हो तो बैग मैं पकड़ूंगा। भाई से कितना कहा यार, लेकिन खुद ही पकड़ रहे हैं। अरे भाई, आप हमारे यहाँ आ रखो तो हम इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए, तो आप चलिए, बाकी सिवा हमारे रहेगी आपके लिए। ओके। हम आज चलेंगे जंगल पे, यहाँ कई शेर वगैरह मिलेंगे हमें रात को। आज हम रात में यहीं रुकने वाले हैं, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि रात का सीन क्या होता है। बिल्कुल, तो बने रहिए तो बन रहिए हमारे साथ और आसिफ भाई के साथ। बिल्कुल, आज नए नए लोग दिखेंगे। ये अंशु भाई हो गए और इस तरफ है पंकुदा। हेलो, आ जाओ। ये हमारे आसिफ भाई, इनके साथ जा रहे हैं इनके बड़े भाई पांडे जी। हटा दी मैं अपने वाले साथ। ये जो भी हैं, अभी हम चल रहे हैं कैंपिंग की तरफ। आ रात को हम इस जंगल पे नाइट आउट करेंगे। भाई इसी तरीके से कॉमेडी करते हैं भाई। भाई का स्टाइल ही, किसी का बोलने का स्टाइल होता है ना, भाई का बोलने का स्टाइल ही ऑलवेज ये है। तो मजा आ रहा है यार, लेकिन सही में कह रहा हूँ। चलो ठीक है, इन जंगलों में वैसे कोई ज्यादा नहीं। आज इनकी जंगल पहली बार हम जा रहे हैं, शायद ही आज का दिन, आज की रात काफी मुश्किल हो जाए, बट हम इनके साथ कैसे भी गुजार लेंगे। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम गांव वाले लोगों को बुला सकते हैं। वैसे यहाँ पे शेर भी आ सकते हैं। शेर इस जंगल में बहुत सारे शेर हैं जो आ जाते हैं, और भालू इस टाइप में दिक्कत होती रहती है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पे, और ये लोकेशन ऐसी है कि चारों तरफ जंगल है, बहुत दूर घाटी, मतलब एक दूसरे पहाड़ पे एक गांव बसा हुआ है, और बाकी का लोकेशन आपको सुबह ड्रोन शॉट से दिखाएंगे, है ना। तो भाई यहाँ पे ये जोक लग जाते हैं। हाँ, पहाड़ में ऐसी चीज है कि जोक हो के लग जाते हैं, और ये शेर क्या कहते हैं, बंदर अंदर वगैरह भी आते हैं। तो इस बारे में हमें सतर्क रहना पड़ेगा, उससे टेंट हमारा अच्छा मजबूत करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल कर लेते हैं मजबूत। आओ, तो इस बारे में हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि रात को हमें कोई दिक्कत ना हो, और बरसात का मौसम भी है तो इस चीज में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ना लग रहा है कि यार टेंट में तो ये यहाँ तो क्यों पाएगा कि बारिश वहाँ बहुत ही होती है पहाड़ पे। तो आप क्या कहते हो इस बारे पे? सब ये वाटर प्रूफ है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप बस ना ये थोड़ा सा मदद कर दो अभी, बस करो। तो भाई अभी अपना पूरा टेंट लग चुका है एक, और जगह काफी अच्छी है यार, लेकिन ना धार है एकदम, धार यानी कि इधर घाटी है तो एकदम टॉप जैसा है, टापू जैसा। तो उसकी वजह से हवा काफी तेज है, मतलब हवा की आवाज आप सुन पा रहे होंगे ना। देखो पूरा एकदम महल तैयार हो चुका है, अंदर साइड सोने की व्यवस्था, यहाँ पर हम लोग सामान रख देंगे। ठीक है, अंदर भी लगा लेते हैं अपना मैट वगैरह, सारा कुछ बिछा लेते हैं और सब सामान इधर पे सेट कर लेते हैं। तभी तक भाई लोग गए हैं लकड़ी लाने के लिए, तो और दो लोगों ने हम लोगों ने टेंट लगाया, तो वो भी आ जाएंगे अब। दोस्तों वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई जी आज पहली बार आ रहे हैं हमारे साथ, कैंपिंग का भी पहला एक्सपीरियंस है इनका, कैसा लग रहा है भाई आप बताइए। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह से आपने ये कैंपिंग की थी और जैसे आप लोग यहाँ पे आए, मुझे इस ये हुआ नहीं कि आप लोग ऐसे कैंपिंग कर दोगे और यहाँ पे आ जाओगे। आसिफ भाई पहली बार मैं आपके साथ आता हूँ तो मुझे काफी अच्छा फील हो रखा है। चलो और हमारे बात है भाई, ये अच्छा ही फील होना चाहिए पूरे कैंपिंग में। हमारे छोटे भाई ये क्या कहते हैं, अंशु, ये मैट लेके आएंगे अभी, मैट अंदर तो मैट चाहिए होगी क्योंकि जोक लग जाती है और दिक्कत भी हमें होगी ना। लग जाती है भाई। पानी पियोगे भाई जी? ना मैं पानी पीऊंगा नहीं क्योंकि मुझे अभी मैंने प्यास लगी नहीं है, अभी मैं कुछ देर बाद स्पैड लूंगा। तो अभी पानी कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ हालांकि मुझे भूख लग रखी है, तो अभी हम खाना बनाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। भूख लग गई बारिश भाई, भूख लग गई क्योंकि मैंने आज दोपहर 2 बजे खाया था, तो उसके बाद टाइम भी हो गया है,
अगर मैं घर होता तो अभी तक खाना खा लेता, तो अभी ऐसी दिक्कत है। तो आशीष भाई मैं इतने लेट तक खाना करता नहीं, मैं 8 बजे खा लेता हूँ। तो अभी भूख है मेरे पेट पे, तो मुझे भूख ऐसी दिक्कत कर रही है यार। आशीष भाई बारिश तो हल्की हल्की यहाँ आती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बारिश यहाँ हल्की हल्की आती रहती है, कुछ देर बाद रुक भी आती है और चलती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस बारे में आपको कोई इतना दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ अभी ये नॉर्मल सी बात है, 10-20 मिनट होगी उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगी। तो आप हल्की सी आग जला लो, सेफ से आग जलाने। आग जलाने के बाद क्या होता है कि जानवर भी नहीं आएंगे, तो हम आराम से बैठ भी पाएंगे और दूर के जानवर भी हमें देख पाएंगे क्या यहाँ पे कोई है, तो वो यहाँ पे आएंगे नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आशीष भाई मेरे हिसाब से तू हमें आग जलाने दे दी, क्योंकि जानवर यहाँ बहुत ज्यादा आते हैं, तो दिक्कत हमें महसूस होगी इस बारे में। वाह चलो भाई अंदर तो सेट हो गया। अब एक काम करते हैं, बारिश आए ना बस, अगर बारिश आई तो भाई आज खाना बनाना भी वैसा ही रह जाएगा। आग जलाने की तैयारी तो करते हैं एटलीस्ट, है ना। तो भाई यहाँ पे गाय भी आ चुकी है, गाय छोड़ी होगी क्या पंकता किसी ने? हो सकता है, हो भी सकता है ना। चूल्हा बना रहे हैं हम लोग और ऑलरेडी यहाँ पे पहले से गड्ढा है, तो कभी भी ऐसे जंगल पे चीड़ का जंगल या कोई भी जंगल हो तो हम लोग को एक छोटा सा गड्ढा बना लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज लग रही है। वैसे तो आजकल रेनी सीजन है और ऐसे पे आग लगना वैसे बहुत बहुत मुश्किल रहता है, 2-3 दिन से बारिश नहीं है तो इसकी वजह से अभी ये पिरुल भी सूखे हुए हैं, आग आराम से लग जाएगी। वही अभी हो चुकी है दिक्कत और बारिश आने लग गया बहुत तेज। क्यों ब्रो? अस भाई ये बारिश तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी रहती है, ये अभी 10-15 मिनट बाद फिर रुक जाएगी। अगर ऐसा होगा तो भाई बहुत बढ़िया। अस भाई हमेशा हमारे यहाँ का यही है पहाड़ का सीन जो हम कह रहे हैं, हमारे यहाँ इस क्षेत्र में सीन यही है कि 10-15 मिनट बारिश आती है फिर रुक जाती है, फिर आती है फिर रुक जाती है। चलो अगर ऐसा है तो भाई भाई की बात अगर सच है तो बढ़िया हो जाएगा। वैसे यार आज बारिश तो बता रखी है यार, होती है आज पता नहीं अब कैसे बनता है, आग भी जलती नहीं जलती। अब भूख लग गया भाई को तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे अभी स्टार्ट हो गई है बारिश, वहाँ पे कोशिश है भाई लोग की आग जलाने की, अगर आग जल जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। पनीर टमाटर मिले, पनीर का ग्रेवी बना दो कैसा, उसके बाद आप देखो। ठीक है भाई जी, ठीक है हो जाएगा, आप बस बैठो रिलैक्स करो एंजॉय करो बस, है ना। आज कैंपिंग में आप मेरे मेहमान हो, तस्कीना है दिक्कत की नहीं मेरे उनमें। ये पानी की बोल लेते अभी आपसे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी से, तो आप कहोगे कि बैठ जाओ। आप ये पहले प्याज में काटो, आगे टमाटर काटो, ठीक है और हल्का ये चाकू को नाइफ जो भी है इसको साफ कर लो, उसके बाद आप आगे टमाटर काटो, क्योंकि मैं प्याज नहीं खाता। इस बात पे आपको पानी ने बताया होगा, तो प्लीज आगे मेरा आगे बहुत तेज बारिश आ गई भाई, अब अंदर जाना पड़ेगा सबको। अभी इतनी तेज बारिश है नहीं कि हम अंदर से घुसे, उसके बाद कुछ दिक्कत होगी तो शायद ये भाड़ दे टमाटर धो देना है। फिलहाल हम में से एक भाई है वेजिटेरियन, बाकी हम वेज नॉन वेज दोनों वाले हैं, तो भाई के लिए अभी पनीर बनाएंगे तो कट कर लेते हैं ऐसा। चलो भाई
तो भाई अभी यहाँ पे ये भाई लोग हैं, भाई अपना नाम बताओ। हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन। हाँ तो गाइस, अज्ज भाई को मतलब ऐसे ही इनके साथ बने रहिए, इनके चैनल के साथ। बिल्कुल। और भाई का नाम क्या है? मेरा नाम है साहिल। साहिल? हाँ। बढ़िया। तो ये भाई भी अभी जो है कि यही लोकल हैं, तो इन्हीं ने बताई थी लोकेशन। क्यों? हाँ, बिल्कुल। तो अभी ये लोग पानी भी लेने आ रहे हैं, पंकुदा और भाई। क्यों? दोनों भाई अभी पानी लेने आ रहे हैं रात में, क्योंकि अभी यहाँ से लगभग कितना कितना ऊपर है रोड, कितनी ऊपर है? लगभग 4 किलोमीटर ले, 100 मीटर भी नहीं होगी। 100 मीटर लगभग है। चलो फिर भाई लोग, तुम लोग जल्दी लेके आओ, आराम से जाना, ठीक है? भाई ने तो खर्राटे ले रखे हैं इधर पे, पंकज भाई ने बढ़िया से सो गई है, अभी थोड़ी सी कॉमेडी कम हो गई है। तो गाइस, भाई का जो पनीर था, पनीर अभी भाई लोगों ने बना लिया, तभी तक मैं कटिंग वगैरह कर रहा था। तो सबका अपना अपना काम, भाई ग्रुप कैंपिंग में ये फायदा होता है कि सबका अपना अपना काम होता है, तो बढ़िया रहता है। अभी हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और अभी अभी हम लोग अपना भी बना लेते हैं कुछ, है ना। चलो भाई, कढ़ाई हो चुकी है गर्म। अभी ये कढ़ाई वैसे गंदी नहीं है, इस पर अभी पनीर बना था, हो ही गया लगभग लगभग। इसको डाल देंगे एक साइड, ये बढ़िया। सप्लीमेंट मंगाया था। ये यार उसी का तो होता है। चलो भाई, वैसे लगभग लगभग इसका कलर चेंज हो गया है। आजकल का प्याज जो है कि पहाड़ी प्याज है, तो पहाड़ी प्याज ना एकदम से रंग नहीं बदलता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का सैलो गोल्डन हो गया है। तो भाई लोग अभी लागे हैं पानी, और ये पंकज भाई छुपते हुए। बिल्कुल यार, यार लेकिन ये पने बहुत गंदा दिया है। चिकन मसाला लेना है? अरे सब से यार, तू टेंशन क्या ले लेना, चिकन मसाला कितनी ना मैं तू पहले स्वाद बना ली, तू दिक्कत कर ले। अरे टेंशन नहीं ले यार, तू ला रहे हैं तो ठीक है भाई, क्या दिक्कत वाली बात है। गाइस, और कुछ तो मिला नहीं है भैया को, कढ़ाई में बना रहे हैं चिकन। अरे यार, भैया को धुआं लग रहा है बहुत जोर से। हाँ यार, धुआं लग रहा है बहुत खतरनाक। प्लस ये करसी छोटी है ना, तो इसकी वजह से चिकन के पीस बड़े हो रखे हैं। तो इस करसी से बड़े तो भाई चिकन के पीसेस हैं। अब मैं जैसे ऐसे इसको हिला रहा हूँ ना, तो पूरा हाथ जल जैसा रहा है। बहुत दिक्कतों का सामना करके यहाँ हमारे लिए बना रहे हैं चिकन। छोड़, तू पच्चा सपोर्ट में लगा रहा, पच्चे है लाखों तो जल लोगी ना, कम बनता मैं। देखो तो भाई, अभी देखो चिकन ने पूरा अपना जितना भी ऑयल कह लो, पानी कह लो, जो भी था ना इसका, तो वो छोड़ दिया है। और थोड़ी सी आंच वैसे कम हो गई है, आंच बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल ला लेते हैं हम लोग टमाटर। अभी अब आग जलाते हैं। तो भाई अभी ऐसा है कि अब इस पे डाल लेते हैं हम लोग मसाले, और उसके बाद इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर में। इसमें मेरे को नहीं लगता वैसे कि पानी मिलाने की जरूरत होगी, भाई काफी रस वैसे ही हो गया, लेकिन मिलाएंगे क्योंकि लोग ज्यादा है ना। तो चावल भी हम लोगों ने बना लिए थे, देखो ये इस तरफ, ये देखो हाँ ठंडे भी हो गए हैं, ठीक है, चावल भी हो गए हैं। पंकज भाई हंस रहे हैं कि मैं इसको ऐसे उठा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे उठा लूंगा, दिक्कत कोई नहीं है। चल जी हटे, बंद कर। तो पड़ जाएगी इस पे हल्दी हल्दी हल्दी, बस ये पड़ गया भाई, गरम मसाले, सच सच ऐसा कश्मीरी लाल मिर्च। अब सबसे मेन अपना मसाला, जिसके बाद हमें चिकन मसाले की जरूरत नहीं होगी। थोड़ा और डाल देते हैं, बस सारे मसाले कर लेते हैं मिक्स। देखो यार कितना ज्यादा
उमाग लग गए लापड़ा पच्छा को कितना ज्यादा आप देखो भाई, अब इस पे कलर भी आएगा, सब कुछ आएगा, बस थोड़ी देर मसालों को पकने देंगे। मसाले स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाले थे कि जिससे कि जले ना बस, वो है ना। अब मसाला का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो आएगा थोड़ी देर। कम ही बेची वालो भाई, अब यही में खा लेना कसो। अरे बिल्कुल खा लेना हमें भाई, खाएंगे केतली में। कुकर कम पड़ लेते हाँ, कुकर केतली में, केतली बची है केतली में रख दिया। अच्छा चाहूँ कैसा ये, तुम आराम से लो। हाँ मैं आराम से लेता हूँ। ये तो रोज के ही है, ये तो ऐसे ही खा लेंगे, इसको भी होगा ये फिर खा लेगा ये। हाँ। ये लोग जंगली हैं ऐसे। ये भाई की मन लगा रहा है यार, देखो हार में कुने में भाई से खुट्टा आ गया। आप लोगों ने इतना प्यार दिया आशी भाई। हाँ बंद कर दो जो ये खाना है, मेरे लिए बहुत है। आप चिकन लोग खाइए, अभी मेरे उसमें है नहीं चिकन, मैं चिकन खाऊ तो मैं भाई पनीर के साथ ही अपना एंजॉय करूंगा। हाँ आप नंबर नवंबर के बाद कोई मिल जाओ मुझे, तो उसके बाद हम चिकन पार्टी भी कर सकते हैं। उसके बाद की बात अलग है, तो अभी की हमें दिक्कत है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे इतना कुछ किया। बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई। लोग कैसा हो रखा है? अरे बढ़िया गजब गजब। सही बनाया भाई, लेकिन जो पहले सूखा सूखा बना था ना वो और गजब बना था ना पंकुदा। और मैं सूट का इंतजार ड्रोन में दूसरा सूट मैंने रैप दूंगा नीचे। एक बार रैप हो जाए कौन सा वाला, उसी हिसाब से मैं अभी से सोचूंगा ना। मैं कल ही गाऊंगा एमसी स्टैंड का। तो भाई अभी दूसरा टेंट भी लगा रहे हम लोग इधर ही पे। जस्ट अभी तक हम लोग को जिस टाइम आए थे ना उस टाइम जगह नहीं दिखी थी, तो जैसे अभी पट्टा सताया तो भाई जगह है इधर पे, ट्रिपल लगा लेते हैं, सब बढ़िया कंफर्टेबली सो सकते हैं इसके बाद से। अब हम एक और कैंप कैंप लगा रहे हैं। ये आशीष भाई बहुत ही दिक्कत पे हैं, आशीष भाई इस काम में जुटे हुए हैं। ये हमारे पंकज पांडे जी हैं जिनने मेरा कम्बल चोरी कर लिया है। भाई जी क्या कर रहे हो ये? तो मैं अभी ये पैंट के लिए यहाँ से छोटी मच्छा आ रही है और आपको बाहर बाहर करने की तैयारी हो रही है। अच्छा हमें बाहर कर दोगे मतलब हमारे ही टेंट से? हाँ इस तरह का कुछ काम हो रहा है, आप कुछ जल्दी आ गए इसलिए ये नहीं हो पाया। हाँ हो भी जाएगा ये। चलो कोई बात नहीं यार, हम बाहर ही सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें बाहर कर रहे हो ना, हम बाहर ही सो जाएंगे, ठीक है सो जाओ। और भाई लोग भी सो गए हैं तो मैं भी सोता हूँ, उस तरफ भी टेंट लग गया भाई। टाटा भाई भाई खत्म। और भाई जी कुछ कहना चाहेंगे? बैठिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जंगल भी है तो रात को शेर भी आएंगे, तो इसलिए आप जल्द सोते हैं तो हमें सुबह जल्द निकलनी पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों को काम भी करना होता अपना। तो अभी सुहाग जी था ये, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, चलो एक काम करते हैं अभी सोते हैं और आपको मिलते हैं सुबह नजारों के साथ। तब तक के लिए भाई गुड नाइट, ठीक है फिर मिलते हैं।